जय शिव गुरु। घर का खाना विद आरती देवी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम सोया चक्स बनाएंगे। सोया चक्स बनाना बहुत आसान है और ये बच्चे लोग को भी बहुत पसंद आता है। इसे इवनिंग स्नैक्स में भी सर्व कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। सोया चक्स बनाने के लिए हम सबसे पहले पानी गर्म करेंगे। पानी में हम एक चम्मच नमक रखेंगे। नमक रख कर पानी को गर्म होने देंगे। पानी हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें सोयाबीन रखेंगे और ऐसे हिला देंगे और करछी से इसे दबा दबा कर डुबा देंगे। हम इसे ढक देंगे और गैस को ऑफ करके ठंडा होने देंगे। ठंडा हो गया है, अब हम इसे दो तीन बार नॉर्मल पानी से साफ कर लेंगे और सोयाबीन से सारा पानी निचोड़ निचोड़ कर निकाल लेंगे। अब हम सोयाबीन को फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए कढ़ाई में कुकिंग ऑयल रखेंगे और अच्छा से गरम होने देंगे। गरम हो गया है, अब हम इसमें सोयाबीन रखकर सोयाबीन को फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा नमक और हल्दी पाउडर रखेंगे। मिक्स करके थोड़ा देर और इसे भूनेंगे। सोयाबीन हमारा फ्राई हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे और इसी कढ़ाई में फिर से हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल रखेंगे और साबुत जीरा रखेंगे। फोरन का कलर चेंज होने देंगे। फोरन का कलर चेंज हो गया है, अब हम इसमें प्याज रखेंगे। मिक्स कर लेंगे और एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च रखेंगे। प्याज का कलर हल्का ही चेंज करेंगे। अब हम इसमें शिमला मिर्च रखेंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। हम बारीक किया हुआ लहसुन रखेंगे और टमाटर रखकर मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा सॉस रखेंगे, ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस, टमाटो सॉस, इन सबको रख कर मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सभी बेसिक मसाला रखेंगे। अदरक पाउडर, काला गोल मरीच पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर। अब हम इन सबको मिक्स कर लेंगे और थोड़ा देर के लिए ढक देंगे। मसाला को अच्छा से पकने देंगे। मसाला हमारा अब पूरा अच्छा से भुना गया है, अब हम इसमें सोयाबीन रखकर मिक्स कर लेंगे। मसाला अच्छा से भुना जाने के बाद ही इसमें सोयाबीन रखेंगे। मसाला अब हमारा पूरा अच्छा से भुना गया है और थोड़ा देर के लिए फिर से ढक देंगे। शिमला मिर्च को पकने देंगे। शिमला मिर्च अब हमारा पूरा अच्छा से पक गया है, अब हम सर्व कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता रखेंगे। सोया चक्स को इस तरह से सर्व करने से बहुत टेस्टी लगता है। सोया चक्स का हमारा ये रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।